बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स का लेक्चर है। इसमें हम यूनिट नंबर वन पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास है सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है, इसकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, जो कि है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। तो हम देखते हैं फाइनाइट सेट कैसे होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 10 एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट में हम काउंट नहीं कर सकते, सो ऑन चलते जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें हमने सेपरेट करना है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट्स। फाइनाइट ऐसा सेट होता है जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट ऐसा सेट होगा जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया था सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, काउंटेबल हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, बी पार्ट में है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हमें पता है ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा, ये नंबर चलते जाएंगे। सी पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल ऑन दी मून। चांद पर जो है वो कितने लोग हैं, तो चांद पर कोई भी इंसान नहीं है, मतलब चांद पर जो है वो ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, ज़िंदगी वहाँ पे वजूद में नहीं आई स्टिल। तो इट मीन्स के वहाँ पे इस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये हमारे पास होगा एम्प्टी सेट। तो ये हमारा आज का काम था, आपने इसको अच्छे से याद करना है, आपने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना है, और इसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है। स्टे होम, स्टे सेफ।